हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट इंट्यूट। इंट्यूट की बात करने वाले हैं, इंट्यूट को बाकी फैंग कंपनी से, बाकी आपकी जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है उनसे कंपेयर करने वाले हैं डिफरेंट टर्म्स में। हम बात करने वाले हैं इंट्यूट के वर्क कल्चर के बारे में, जो कि बहुत जाना माना है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि इंटरव्यूअर सोचता कैसे है। अगर आपको कोई एनालाइज कर रहा है, अगर आपको कोई इंटरव्यू कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्या चाह रहा है, यार इससे मुझे ये पॉइंट अगर मिल जाए तो मैं इसको हायर कर लूँगा, मैं इसको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट मान लूँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, कि क्या आईटी जो करियर है, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन है, इसमें सिर्फ 8-10 साल ही काम किया जा सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्या? तो इन सब पॉइंट पे बात करने वाले हैं, इंट्यूट को बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं। हमारे साथ शशांक सर हैं, जो कि इंट्यूट में 8 साल से काम कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अभी करंटली SG3 हैं। तो शशांक सर, हाय। हेलो, हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लव भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल, इट्स रियली अ प्रिविलेज। और अपने बारे में मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ। सो आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 8 ईयर्स। आई स्टार्टेड माई करियर विद इंट्यूट इन 2013 आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई कॉलेज। और सिंस देन आई हैव बीन विद इंट्यूट, आई हैव वर्क विद डिफरेंट टीम्स विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एंड इट हैज़ बीन अ फन जर्नी। सो दैट्स ऑल आई कैन से। सही है सर। तो सर अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते, बट सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर मेरे हिसाब से आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने नियरली कोडिंग वाइज सब कुछ देख लिया होगा, हर सिनेरियो आप फेस कर चुके होंगे। तो वो अभी सर ने ज़्यादा सर थोड़े हम्बल हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ अपने एंड से। और एक चीज़ सर हम यहाँ पे समझते हैं, मतलब अमेजोन का सबको पता होता है, माइक्रोसॉफ्ट का हम सबको पता होता है किस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं। AWS है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट के केस में Azure है, अमेजोन की ई कॉमर्स वेबसाइट जो सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस प्रोडक्ट है जो सब यूज़ करते हैं। इंट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो उनका मेन प्रोडक्ट क्या क्या है जो कि यूज़ होते हैं, और इंडिया में ज़्यादा यूज़ होते हैं या फिर अब्रॉड ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्यूट बेसिकली टैक्स डोमेन में डील करता है, तो टैक्स डोमेन और प्लस फाइनेंशियल डोमेन में डील करता है। तो इंट्यूट के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक तो टर्बोटैक्स है विच इज़ बेसिकली यूज बाई इंडिविजुअल्स फॉर फाइलिंग देयर ओन टैक्सेस। फिर हमारे पास मिंट है विच इज़ मोर लाइक अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल, जो कि आपको बताएगा कि आप अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज कर सकते हो। फिर आपके पास क्विक बुक्स ऑनलाइन है या क्विक बुक्स इन जनरल है, जो कि बेसिकली इट इज़ यूज बाई स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस फॉर यू नो हैंडलिंग देयर बुक कीपिंग एंड पे रोल एंड देयर कंप्लीट बिजनेस, उनका जो भी स्टॉक है, जो भी उनका मतलब है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन सेक्शन विच डील्स विद क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर अकाउंटेंट्स, जो कि उस प्रोडक्ट का यूज़ करके दे डू द टैक्स फाइलिंग फॉर देयर क्लाइंट्स। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इंट्यूट के अंदर। एंड मार्केट की बात की जाए तो हमारा मेन मार्केट US का ही है, डेफिनेटली UK में भी है और बाकी कंट्रीज में भी है, बट US इज़ द मेन मार्केट। इंडिया में भी क्विक बुक्स ऑनलाइन है, बट मेन मार्केट US का है जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हो। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो यूज़ है वो US में है, और हम इसको एक फाइनेंशियल टेक कंपनी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस टेक साइड पर होता है ना? ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम जानने वाले हैं, जो हमने अब तक कभी डिस्कस नहीं किया अपनी वीडियोस के अंदर, कि अगर मैं बात करूँ कि इंट्यूट में आप इंजीनियर हैं, तो आपका मेन टेक स्टैक किस पे बेस्ड होता है, अगर वो चीज़ हम बच्चों को बता पाएं। तो टेक स्टैक की बात की जाए तो अगर आप UI पे हो तो आपको आपका मेन टेक स्टैक React JS रहेगा और अपोलो क्लाइंट रहेगा। अगर आप बैकेंड पे हो तो आपका टेक स्टैक जावा रहेगा, जावा, स्प्रिंग बूट, रेडिस, काफ्का, Kubernetes, AWS पे डिप्लॉयड है सारे सर्विसेज, और फिर उसके बाद डेटाबेस में पोस्टग्रेस हो या कैसेंड्रा हुआ। सो हाई लेवल पे यही हमारा टेक स्टैक रहता है। अगर आप मोबाइल में हो तो फिर जैसे iOS में स्विफ्ट यूज़ होता है, तो ये सारे टेक स्टैक है जो यूज़ होते हैं हमारे। ठीक है, तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि ठीक है इंट्यूट में ऐसे ऐसी चीज़ यूज़ होती है। तो जब बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा, ठीक है मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ तो आगे जाके मैं किसी कंपनी में भी रिएक्ट यूज़ कर सकता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पे कि मान लेते हैं कि मैं एक इंट्यूट का इंजीनियर हूँ, SG1 हूँ, आपने बताया कि मैं रिएक्ट यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर मेरा मन है कि नहीं यार मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिक एंगुलर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो चीज़ पॉसिबल होगी? अगर दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पहला तो कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप कोई और चीज़ की यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर वो डेफिनेटली उससे बेटर है तो आप कोई रोकेगा नहीं। दूसरी चीज़ होती है डिपेंडेंसी। कई बार होता है कि इकोसिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो आप अगर कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो इज़ इट कंपैटिबल विद द अदर फ्रेमवर्क्स व्हाट एवर मतलब इज़ बीइंग यूज्ड। तो अगर वो सारी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है देन नो वन विल स्टॉप यू कि नहीं आप ये नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली अगर हमारे पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो अब मेन USP की बात करते हैं। जब मैं इंट्यूट की बात करता हूँ तो एक मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अमेज़न हैदराबाद में था,
तो इंट्यूट के एक SD2 थे जिन्होंने बेसिकली इंट्यूट छोड़ी थी और अमेजोन में एज एन SD2 आए थे, तो वो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। उनको एक महीना हुआ था कि यार अमेजोन में ऐसा है, और इंट्यूट के अंदर हमारा वर्क कल्चर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत सपोर्टिव था, और वहाँ काम करने में मुझे ज़्यादा मजा आता था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई कि ऐसा था वैसा था ऐसा था, तो उनसे मुझे लगा कि यार इंट्यूट एक बहुत अच्छी कंपनी है। वहाँ से मुझे पता लगा कि अच्छा इंट्यूट ऐसा है। मैंने और दो चार लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि यार ये तो फैंग से भी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ठीक है एक जगह आपका अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, और एक जगह इंट्यूट है, और मेरे को बोला जाए कि क्या चूज़ करना है अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा न्यू हायर हूँ, तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा कि भाई इंट्यूट चलते हैं, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ एक समझ मुझे आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क कल्चर कैसा है, टीम कल्चर कैसा है, मैनेजर वाइज कैसा काम रहता है, तो वो कैसा रहेगा? वर्क कल्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और उसके कुछ कारण है, क्योंकि इंट्यूट में फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, एंड इट्स अ टू वे फीडबैक जहाँ पे कि बस मैनेजर ही आपको फीडबैक नहीं देता है, एज अ एम्प्लॉई भी आप मैनेजर के और अपने सीनियर लीडरशिप को फीडबैक देते हो। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एनुअल एम्प्लॉई सर्वे जो कि साल में दो बार होता है, वेयर आप बेसिकली बताते हो कि आपके पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कुछ सब्जेक्टिव रहते हैं, जहाँ बता सकते हो कि कुछ चीज़ें अगर ठीक नहीं चल रही हैं तो क्यों नहीं ठीक चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर टीम एनवायरनमेंट की बात हो गई, या पे स्केल की बात हो गई, या बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो गई, या अगर रिकग्निशन की बात हो गई कि रिकग्निशन कम हो रहा है टीम में, कुछ भी जो भी इश्यूज हैं वो डेफिनेटली यू नो आप रख सकते हो कि ये सारे इश्यूज हैं जो कि अभी करेंटली हैं, और दिस गेट्स टेकन वेरी सीरियसली, और मैनेजर्स और सीनियर लीडरशिप टीम डेफिनेटली काम करती हैं इस पर कि क्या प्रॉब्लम है, एंड दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इफ यू थिंक इन एट देयर टर्म्स, उनको भी जरूरी होता है कभी कभी ये पता लगना कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, इवन दे डोंट रियलाइज इट अनलेस दे गेट टू हियर इट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि वर्क करता है हमारे वर्क मतलब इतने अच्छे वर्क कल्चर में। सेकेंडली मैनेजर के बहुत रेगुलर फीडबैक्स मिलते हैं हमें, वी हैव मंथली वन ऑन वन जहाँ पे कि वी गेट टू नो कि हाउ आर वी डूइंग, हाउ इज द परफॉर्मेंस, हाउ इज द फीडबैक फ्रॉम अदर पीयर्स। तो कोई सरप्राइज नहीं होता है एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द मिड ईयर कि अच्छा आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, क्योंकि आप मंथली सिंकअप पे हो, आपको पता है कि आप कैसा कर रहे हो। तो उस हिसाब से इट्स मतलब कुछ गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यू आर गेटिंग रेगुलर फीडबैक, एंड द सेम वे मैनेजर्स आर गेटिंग रेगुलर फीडबैक कि टीम कैसा कर रही है। तो थिंग्स आर यूजुअली वेरी गुड, और चीज़ें बहुत सॉर्टेड चलती है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है सारी चीज़ों में। ठीक है, अगर मैं इवेंट के टर्म से बात करूँ या फिर टीम आउटिंग्स के टर्म में बात करूँ, तब बहुत सारे होते हैं, अभी तो खैर कोविड की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बट अदरवाइज आउटिंग्स होते रहते हैं। हम लोग 2019 में सिक्किम गए थे, उसके पहले भी कहीं ना कहीं जाते रहते थे, तो इट्स मतलब ये सारा कुछ होता रहता है जहाँ, और इवन इफ वी आर नॉट गोइंग आउट दैट फ्रिक्वेंटली, हमारी मतलब बैंगलोर की आउटिंग्स होती रहती हैं, अगल बगल की होती रहती हैं, वेयर एज ए टीम सब कोई इकट्ठे होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड इवन इफ मतलब आप जस्ट कुछ लोगों के साथ दो तीन दिन के लिए कहीं और जा रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, दैट इटसेल्फ हेल्प्स अ लॉट टू यू नो जेल अप, और वो बैरियर्स हट जाते हैं जो भी मतलब यू गेट रियली क्लोज, और वो दैट रियली हेल्प्स इन योर डे टू डे वर्क और बाकी टू आस्क एनीथिंग, तो इट रियली हेल्प्स ऑल दोस थिंग्स। तो बेसिकली टीम आउटिंग ऐसी चीज़ है यार जो मैं भी पिछले 1.5 साल से मिस कर रहा हूँ यार, बहुत टाइम हो गया कहीं जा नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से, बट ठीक है जब तक ठीक नहीं होता घर के अंदर ही बैठना पड़ेगा, मास्क लगा के घूमना पड़ेगा, जब नेसेसरी होगा तभी कि एसेंशियल स्टफ आपको लेने जाना है तो आपको बाहर निकलना है घर से। और यहाँ पे एक चीज़ और जो हम डिस्कस कर रहे थे सर, वो ये कि हम एक इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें कि एनुअल आपको 2 वीक्स मिलते हैं जिसमें आप खुद का कुछ कुछ करते हो, आप वो एक बार बताना चाहेंगे? हाँ, तो इंट्यूट में देर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल इंजीनियरिंग डेज, जहाँ इट्स एन इवेंट ऑफ अ वीक, और ये साल में 2 बार होता है फिर से, जहाँ पे कि आपको जिस चीज़ पे भी मन है आप उस पर काम कर सकते हो। इट नीड नॉट बी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, इट नीड नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस यूनिट, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप उस पर काम कर सकते हो। यू कैन शोकेस दैट एट द एंड ऑफ द ग्लोबल इंजीनियरिंग डेज कि हाँ मैंने इस चीज़ पे काम किया, मैंने ये बनाया, चाहे जो भी हो। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग बट वी डू नॉट गेट टाइम बिकॉज ऑफ अ डेली प्रोजेक्ट और जो भी होता है, बट यहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज मिलते हैं कि आप का जिस पर भी मन है आपको एक्सप्लोर करो, आप उस पर काम करो, और तो हाँ ये दैट अगेन इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट व्हाट आई लाइक अबाउट इंट्यूट। तो ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया कि इंट्यूट का वर्क कल्चर कैसा होता है, टीम कल्चर कैसा होता है, मैनेजर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या क्या टीम एक्टिविटीज होती है, क्या क्या आउटिंग्स होती हैं, कैसे आप एंजॉय कर पाते हो। अब मेन फैक्टर पे आते हैं जहाँ पे हर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होता है, ठीक है मैं काम करने वाला हूँ, मुझे इस काम के बदले क्या मिलने वाला है। तो सैलरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंट्यूट की सैलरी की बात अगर मैं करूँ एज अ न्यू हायर,
तो आप ये लगा सकते हो कि जो अमेजोन की बेस सैलरी होती है उसमें प्लस 4 कर दो, और वो जो रेंज आएगी उस रेंज के अंदर आपके इंट्यूट की सैलरी लाई करती है, बेस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस पे की। और वो रेंज में जो IITians होते हैं उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलती है, उनको हाई बैंड में रखा जाता है तो उनको हमेशा हाई पैकेज मिल जाता है। बट अगर आपका स्किल सेट भी तगड़ा है, जो रिक्वायर्ड है आपने अच्छे से कर रखा है कि आपको DSA उन्होंने पूछी, आपने अच्छे से बताई, आपसे प्रोजेक्ट पूछे गए, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए, वो अच्छे और यूनिक प्रोजेक्ट थे, जो कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट थे वो नहीं थे, आपने खुद बनाए थे वो, हर चीज़ को आपने अच्छे से समझाया है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, उसके ऑल्टरनेटिव क्या थे, हर चीज़ आप बता पा रहे हो, तो उस केस में आप भी हाई बैंड इंजीनियर वाले जोन में पहुंच जाते हो और आपका भी बेस पे बढ़ सकता है। तो रेंज मैंने आपको बता दी क्या क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं सर से कि अगर मैं डिवीजन करूं CTC का तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। वैसे हमने ठीक है हमने डिस्कस किया हुआ क्या क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं, बट इंट्यूट वाइज समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट यहां पर हमें मिलते हैं। तो बेसिकली एक तो आपका बेस पे होता है और फिर आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है जो कि आपके बेस पे भी डिपेंड करता है, तो एंड दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर रोल ऑल्सो। तो अगर आप SD1 SD2 हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस बोनस होगा, जो ईयरली बोनस होता है, दैट विल बी 10% ऑफ योर बेस पे। अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे जाते हैं देन दैट बिकम्स 15% ऑफ योर बेस पे। अगर आप स्टाफ इंजीनियर बनते हैं देन इट बिकम्स 20% ऑफ योर बेस पे। तो ये आपका परफॉर्मेंस बोनस का कॉम्पोनेंट हो गया। एंड आफ्टर दैट यू हैव स्टॉक्स जो कि आपको ज्वाइन करने टाइप में मिलते हैं, फिर आपको हर साल मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस और डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट कि आपका जो भी स्किल सेट है वो कितना वैल्यूबल है कंपनी को आने वाले साल में, बिकॉज दैट्स अ वे ऑफ रिटेनिंग एन एम्प्लॉई जो आपका स्टॉक कॉम्पोनेंट होता है। उसके बाद फिर अगर आप न्यू ज्वाइनी हैं तो डेफिनेटली आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, अगर आप रिलोकेट कर रहे हो कहीं से तो आपको रिलोकेशन बोनस मिलेगा, तो सारे कॉम्पोनेंट्स भी ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो 4 मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं, आपका बेस पे, आपका परफॉर्मेंस बोनस, आपका स्टॉक्स और आपका रिलोकेशन बोनस। तो सेम कैटेगरीज हमें सिटी से मिलती है हर जगह, वही सेम कैटेगरीज यहाँ पे हमको मिल रही है देखने को, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको सर 8 साल इंटरव्यू में हो चुके हैं, डेफिनेटली आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे अब तक इस टाइम स्पैन के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी हाउ एन इंटरव्यूअर थिंक्स, जब आप हायर करने जाते हो, ऑन साइट इंटरव्यूज लेते हो या फिर वर्चुअल इंटरव्यूज लेते हो, तो आपके दिमाग में क्या होता है कि मैं इसको किस बेसिस पे हायर करने वाला हूँ, अगर ये मुझे ये स्किल दिखा देगा तो मैं इसको एक ग्रीन कैंडिडेट, एक ग्रीन टिक लगा सकता हूँ उसकी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो क्या क्या चीज़ें रहती हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सबसे पहले तो जब हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है इंटरव्यू के लिए तो हमें पता है कि ही और शी हैज़ ऑलरेडी क्लियर दी फर्स्ट राउंड ऑफ DSA नाम को, तो हमें पता रहता है कि हाँ स्टूडेंट के लेवल कितना है। उसके बाद एट टाइम्स हम और भी कुछ क्वेश्चन DSA उनके कराते हैं। आफ्टर दैट वी गो लिटिल बिट इनटू द कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स जो भी स्टूडेंट ने पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। उसके बाद हम उनके प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे हम इनफैक्ट डीप जाते हैं समझने के लिए कि उन्होंने फाइनली प्रोजेक्ट क्या किया और क्या चैलेंजेस थे, चैलेंजेस को कैसे फेस किया और कॉर्नर केसेस जो भी हो गए, तो हम वो सारी चीज़ें समझते हैं। और इन ऑल ऑफ दिस वी ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, मतलब कितना इन केस इफ देयर इज एनी एरोगेंस और कुछ भी, मतलब हम जानूस के भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं ताकि वी वांट टू सी कि कैसा रिएक्शन है कैंडिडेट का, कितना काम है या कुछ भी एरोगेंस है या कुछ भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि कैंडिडेट कितना ओपन है नई चीज़ें सीखने के लिए, जैसे हम बताते हैं कि क्या क्या इंटरनेट यूज़ करती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, एंड वी वांट टू सी कि हाउ एक्साइटेड दे आर कि हाँ हम सीखे लेंगे, वी कैन डू दिस, वी विल लर्न दिस, आई एम वेरी ओपन टू लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। बट मोस्टली ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी DSA के प्रॉब्लम्स हो गए और बाकी कुछ जो भी डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स हो गए वो स्टूडेंट कितनी एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहा है या बता पा रहा है, और कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स कितने साउंड है उसके लिए। तो देयर इज समथिंग फ्रॉम इनसाइड, तो अगर आप ये सब फॉलो करो तो आपके इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली अपर एज मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई और नहीं बता पाएगा, कि इंटरव्यूअर ही बता सकता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में जाकर, थैंक यू सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर एक फ्रीक्वेंट डाउट के बारे में जो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आता है, कि एक IT इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में जब मैं चला जाता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ, तो क्या मेरा जो फ्यूचर है, क्या मेरा जो टाइम स्पैन है मेरे करियर का, वो सिर्फ 8-10 साल ही रहने वाला है? क्या मैं सिर्फ इतना ही टाइम काम कर सकता हूँ, उसके बाद बस डन, खत्म और कुछ नहीं होगा? मतलब लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि आप बस अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी भी कंपनी में हो, 8 साल काम करोगे, 10 साल काम करोगे, उसके बाद बस इतना ही होता है, आपकी कंपनी हाथ जोड़ देगी, सर आप चले जाओ, हो गया, ऐसा होता है क्या मतलब सही में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, और इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि हाउ आर यू बिल्डिंग योर करियर इन योर इनिशियल डेज और थ्रू आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर टेकिंग योर टाइम टू डिटरमाइन कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, आपका पैशन कहाँ पे,
आप वेरियस चीज़ें ट्राई करो, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म में जो भी कर रहे हो यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, क्योंकि तभी आप उस पर लंबा चल पाओगे, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव 100% इन दैट. और अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयर हो कि बाहर क्या चल रहा है, आउटसाइड योर कंपनी आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो उसका रिलेवेंस क्या है, आप जिस भी टेक स्टैक पे काम कर रहे हो वो अभी भी बाहर रिलेवेंट है कि नहीं है, कितना डिमांड है उसका, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब अवेयर रहना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बिजनेस भी समझो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उसका बिजनेस डोमेन भी समझो, क्योंकि आपको जितना नॉलेज बिजनेस डोमेन का होगा तभी आप अच्छे आइडियाज़ दे पाओगे, तभी आप बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर पाओगे. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत इंजीनियर्स को देखा है, वो आर वेरी वेरी साउंड टेक्निकली, बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस डोमेन नॉलेज दे लैक देयर, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी आपको इतना पे कर रही है बिकॉज दे एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू. एंड एट मतलब कोडिंग एक पॉइंट के बाद सब कोई कर सकता है, बट आपका जो एक्सपर्टाइज है डोमेन का, बिजनेस डोमेन का, वो डिटरमाइन करेगा कि आप कितने अच्छे इंजीनियर हो, आपको कितने आइडियाज दे सकते हो, और आप कितना कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो, या आप इश्यूज को कितनी एफिशिएंटली डीबग कर सकते हो कुछ भी अगर वैसा आया हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी चीज़ एक जो लगता है लोगों को कि IT में हमेशा कोड करना नहीं होता है, मतलब आप पहले 10 साल मोस्टली कोड करोगे, बट आफ्टर दैट देर इज अ डाइवर्जन जहां आप या तो आर्किटेक्ट बनते हो या तो मैनेजर बनते हो. एज अ आर्किटेक्ट ऐसे नहीं है कि आप कोड करते रहोगे सिर्फ, यू हैव टू टेक मच मोर क्रिटिकल डिसीजंस, जैसे आपकी कोई भी सर्विस है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसका डिजाइन कैसा रहेगा, क्या कॉम्पोनेंट्स रहेंगे, क्या उसमें आप टूल्स यूज करोगे, क्या फ्रेमवर्क्स यूज करोगे, क्योंकि दोस थिंग्स रियली मैटर. वहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हो तो इट विल टेक अ हिट एट सम लेटर पॉइंट, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता चलेगा या जब लाइव जाएगा तो पता चलेगा. तो सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं और वो सारे रोल्स होते हैं. या तो अगर आप मैनेजर बन रहे हो तो इट्स अगेन मोर लाइक, अभी के जो मैनेजर्स होते हैं दे आर मोर लाइक एन इंजीनियरिंग मैनेजर, जहाँ दे आर वेरी टेक्निकल, दे हैव रिपोर्टिज अंडर देम, बट स्टिल दे टेक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइक कोई भी डिलीवरेबल कब जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा उस पर, दे हायर वेरी गुड इंजीनियर्स, और उनका भी मतलब बहुत रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो इट्स ऑल मतलब इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर आफ्टर यू कम टू दीज रोल्स. तो और ये आप मैनेजर आर्किटेक्ट कम से कम 10 साल बाद ही बनते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 साल में आपका करियर खत्म हो जाता है. करियर बहुत लंबा है एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्टार्टिंग से सही डायरेक्शन में चलो और बी पेशेंट, बहुत हड़बड़ाओ मत किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे जल्दी से इस लेवल तक पहुँचना है, जल्दी से ये करना है. फोकस ऑन योर बेसिक्स, आप स्किल्स पे ध्यान दो, अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, और एक प्लान रखो कि हाँ इस हिसाब से आगे बढ़ना है, एंड थिंग्स विल बी फाइन. करियर बहुत लंबा है, क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल इंजीनियर्स हैं, दे आर लाइक 15 ईयर्स, 20 ईयर्स. जो डायरेक्टर्स वीपीज होते हैं दे आर 25 ईयर्स एक्सपीरियंस. तो करियर बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है. ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल्स मिल गए यार, कि हमारे पास 25 साल वाले एग्जाम्पल भी हैं, 20 साल वाले भी हैं. तो आप हमसे जो पूछते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, 10 साल के लिए तो बहुत लंबा करियर है, डिपेंड करता है कि आप कैसे बिल्ड करना चाह रहे हैं. तो ये चीज़ें थी यार, बहुत बहुत सारी चीज़ हमने सीखी. हमने सीखा कि इंट्यूट किस पे काम करती है, इंट्यूट का वर्क कल्चर कैसा है, इंट्यूट का मैनेजर कैसे हैं, एक टीम का साइज़ क्या होता है जनरली, और आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक इंटरव्यूअर कैसे सोचता है, क्या आपका टाइम स्पैन जो होता है एज ए इंजीनियर वो सिर्फ 10 साल का ही होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है यहाँ पर. ठीक है, एक चीज़ और सर यहाँ पर, कि हम जब बात करेंगे एक लास्ट मैसेज देने के बारे में, कि आप ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, तो उसमें आप क्या बताएंगे? आई थिंक मैं वही रिपीट करना चाहूँगा कि आप अवेयर रहो कि बाहर क्या चल रहा है. सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपको जिस चीज़ में पैशन है आप उस चीज़ पर काम कर रहे हो. दूसरी बात कि जस्ट बी अवेयर कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है और आप अभी भी रिलेवेंट हो. और दूसरी बात आती है रिगार्डिंग योर कॉम्पनसेशन. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये भी पता रहना चाहिए कि यू आर नॉट अंडर पेड. तो आप अभी तो बहुत सारे वेज हैं ये भी बाहर पता लगाने के, कि मतलब यूजुअली आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल सेट पे आपको कितना मिलना चाहिए. जैसे लीडकोड का डिस्कशन फोरम है, या लिंक्डइन पे भी सैलरीज रहती हैं, क्लासडोर पे रहती हैं, ब्लाइंड पे रहती हैं. तो आप एटलीस्ट आप थोड़ा अवेयर रहो. और आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट कीप रनिंग आफ्टर मनी, कि नहीं नहीं सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच इन माई मतलब इन माई व्यू, क्योंकि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड नॉट बी अंडर पेड ईदर. तो अपने आपका वर्थ हमेशा पता रखो कि हाँ क्या है, एंड उसके हिसाब से काम करते रहो. बट डेफिनेटली स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना एट एनी डे, बिकॉज दैट इज वॉट इज इट्स इज गोइंग टू टेक यू लॉन्गर. आई मीन आपको लंबा लेके जाएगा वो जो भी आपका स्किल सेट रहेगा. तो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू टेल. और दूसरी चीज़ एक मैं बोल सकता हूँ, जो कि मैंने यूजुअली इंटरव्यूज़ में देखी है, जो भी मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, तो आई यूजुअली आस्क एट द एंड कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं नहीं है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल टू यू नो एक्सप्लोर मोर अबाउट द रोल और द कंपनी इन विच दे आर ट्राइंग आउट. क्योंकि
आपको पता चलेगा कि किस टाइप का काम है या क्या काम करने वाले हो, एंड इट गिव्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ जो कैंडिडेट है वो मतलब वो इंटरेस्टेड है कि किस टाइप का काम है, क्या है, दे आर ईगर टू नो, दे आर ईगर टू लर्न. तो ये सारी चीज़ें भी आप यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स सर आपके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. और एक चीज़ यहाँ पे यार, मतलब मैंने जितने अमेजोन में ऐसे थ्रीज देखे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करते, उनसे डर लगता है दूर से देख के कि नहीं यार ये डांट देंगे. तो सर एक ऐसे ऐसे थ्री हैं जिनको देख के, मतलब हमने अभी इससे पहले मतलब नियरली 1.5-2 घंटे कन्वर्सेशन की है और बहुत अच्छी की है, मज़े मज़े में, तो मैं डरा नहीं, हमने बहुत प्यारी, मतलब सर बहुत हम्बल हैं. थैंक्स सर अपने सारे पॉइंट्स और सेशन शेयर करने के लिए बच्चों के साथ. और बच्चे एक काम करेंगे, अभी कमेंट में जाके लिखेंगे थैंक यू सर, इतना करेंगे और बस, इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग, लिंक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए.